सीधा दोस्तों टॉपिक है किशोरावस्था की ओर, किशोर की अवस्था की ओर। क्या क्या होता है इस अवस्था में सभी मनुष्यों के साथ, स्त्री हो चाहे पुरुष, आज उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा आराम से पढ़िएगा मेरे साथ। और क्या गेम टू द पॉइंट्स है। चलिए, किशोरावस्था किसे कहते हैं। एक वृद्धि का एक प्राकृतिक प्रक्रम होता है जो जीवन काल में जब शरीर में ऐसे परिवर्तन हो जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाए, किशोरावस्था। जब आप किसी कहना नहीं चाहिए बच्चे को प्रकार करने की क्षमता रखने लगें तो आप समझ लीजिए कि आप किशोरावस्था में आ चुके हैं। यौवन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास हो जाना, वो यौवन का आरंभ हो गया। तो जन्म परिपक्वता आ जाए वो किशोरावस्था होता है। यौन आरंभ होने की दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। लंबाई में क्या वृद्धि के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर होता है। अगर यौन अवस्था आपकी आ गई है, सबसे कैसे पहचानेंगे आपकी लंबाई में अचानक से वृद्धि आ जाएगी। एक ही परिवर्तन है। अंतर शैविक ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतर शैविक ग्रंथियाँ हार्मोनों को नलिका से ना निर्मोचित कर सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित कर देती हैं, खूने मिला देती हैं खून प्रवाह में, इसलिए इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति के चेहरे पर फुंसियां मुहासे अधिक क्यों आते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के तैली ग्रंथियां अधिक क्रियाशील हो जाती हैं जिसके कारण जो है आपके चेहरे और कहीं पर भी फुंसियां मुहासे आते हैं। गौण लैंगिक लक्षण क्या है। वे लक्षण हैं जो यौवन आरंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं, जिससे लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं तथा दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं तथा इन्हें ही गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। किशोरियों में यौवन आरंभ के समय कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लंबाई में वृद्धि होती है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन आता है, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जनन अंगों का विकास होता है, मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आती है और गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है, हार्मोन्स है। ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं से निस्तारित होने लगता है, इसे ही ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसका अचक 28 से 30 दिन का होता है। लिंग हार्मोन्स क्या है। गर्भ नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। वसण एवं अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इनसे लिंग हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन्स गौण लैंगिक लक्षण उत्तरदायी हैं, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। लिंग गुणसूत्र कैसे कहते हैं। वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। नर हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजेन। मादा हार्मोन्स का नाम क्या है, एस्ट्रोजेन। किस ग्रंथि को मास्टरग्रंथि कहते हैं, प्यूस या पिट्यूटरी ग्रंथि को। लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स क्या है, जेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन। स्त्रियों में जनन काल की अवधि कितने समय तक रहती है। स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष से आयु आरंभ होती है और 40 से 47 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करता है तो योग बनता है, युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे जिससे वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचन करने वाला शुक्राणु वाई गुणसूत्र है तो नर शिशु का विकसित होगा। रजोदर्शन किसे कहते हैं। लड़कियों में पहला ऋतुस्राव यौन के आरंभ में होता है, इसे रजोदर्शन कहते हैं। रजो निवृत्ति किसे कहते हैं। लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, इसी के रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। गायत्र किस ग्रंथि का रोग है, थायराइड का।
किस पदार्थ की कमी से में गाढ़ा रोग होता है? आयोडीन के। मधुमेह रोग का कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी। सही में नमक की मात्रा को किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रित किया जाता है? एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य क्या है? यह क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का काम करता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स को स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? व्यक्ति की समान वृद्धि को बढ़ाता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? खून शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण किसके द्वारा होता है? कीटों में कायांतरण नियंत्रण कीट हार्मोन्स के द्वारा होता है। कभी कभी टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि यदि जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते। स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। व्यक्ति का शारीरिक मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वस्थ कहलाता है। किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, संतुलित आहार कहलाता है। एक संतुलित भोजन का नाम बताइए। दूध। दूध का निर्माण कैसे होता है? आयरन से। एड्स क्या है? ये एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु के द्वारा होता है, खतरनाक विषाणु में निम्न तरीके से होता है। संक्रमित रक्त या सिरिंज के द्वारा, पीड़ित माँ से शिशु में दूध द्वारा, एड्स रोगी से लैंगिक संपर्क द्वारा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।